है इसके अंदर कौन लोग हैं जो रोजा छोड़ सकते हैं, कौन लोग हैं जो जिनको रोजे से रुखसत दी गई है शरीयत ने, जिनको रोजे छोड़ने के लिए कहा गया। तो तीन किस्म के लोग हैं इसके अंदर जो रोजे को छोड़ सकते हैं। तो एक मुसाफिर सबसे पहला जो रोजे को छोड़ सकता है, दूसरा जो बीमार है वो रोजे को छोड़ सकता है, वो तीसरा है जो हेज निफास वाली औरत। ये तीन लोगों के लिए जो है रोजा छोड़ने की, या जो नाबालिग है वो तो फिर अलग है, उनको ही मालूम है। तो ये तीन जो है शर्तें हैं इसके अंदर, जो तीनों जो शर्तें हैं जो जिसमें से दो मर्दों के लिए है और तीनों औरतें के लिए भी है हेज निफास से, तो ये इसके अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जो है एक वाक्य उसमें आता है कि एक जो है मुसाफिर था, उसने सफ़र के अंदर रोज़ा रख लिया, सफ़र के अंदर रोज़ा रख लिया, वो सारे वो क्या है कि नीचे जो है उनको चक्कर आ गया और बैठ गए, तो सारे लोगों ने क्या किया, उन पर चादर आकर टांग दी, और जो है बहुत से लोग आकर पंखा लेकर उन पर हवा करने लगे। अल्लाह रसूल सल्लम ने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, बोले इन भाई का रोज़ा है और ये सफ़र पर हैं, तो भूख की शिद्दत और पानी की कमी की वजह से इनको चक्कर आ गया था, उनको छाया दे रहे हैं, उन पर पंखा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं है, यानी अपने ऊपर जुल्म करके आप रोज़ा मत रखो, आपसे अगर नहीं रखा था सफ़र के अंदर तो आप रख सकते हैं। ये है कि अगर किसी को अल्लाह ने ताकत दी है माशाल्लाह अच्छा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सफ़र में भी कर लेता है उसके बाद भी रोज़ा रख लेता है तो अलग चीज़ है, लेकिन सफ़र में रोज़े को रुख्सत दी गई है लेकिन बाद में उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, यानी पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, जो कोई अगर बीमार हो या सफ़र पर हो तो बाद में गिनती जो है पूरी कर लें, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ में नरमी चाहता है सख्ती नहीं चाहता, तो अल्लाह हमारे लिए नरमी चाहता है सख्ती नहीं चाहता, तो हमको छूट दी गई बीमारी के अंदर सफ़र के अंदर और बाद में उसको उसकी कजा कर सकते हैं। और ये सफ़र में रोज़ा रख कर ना वो ना करें, क्योंकि अपनी ये बताना ताकत तवानाई बताना, तो ये चीज़ें सही नहीं, फिर ये नेकी भी नहीं कि अगर आपको लग रहा है तो फिर आप दूसरे पे एहसान कर रहे हैं सफ़र के ऊपर, तब जिन भाई ने रोज़ा नहीं रखा तो आप रोजे पे सफ़र पर जा रहे हैं सबसे आगे, और सामान आपने उठाया, सूटकेस नहीं उठा रहे, अपना बैग नहीं उठा रहे, बोले तो आप इनको उठाओ, आप उठाओ मैं रोजे से हूँ, तो आपने वो एहसान नहीं कर रहे दूसरे के ऊपर आप रोज़ा रख कर कि उनको कह रहे हैं आप सामान उठाने लगाओ, तो ये चीज़ें सही नहीं है, आप ये फिर नेकी में शुमार नहीं होगा। और कई लोगों का मामला आता है जो नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी है, तो उसके बाद में फिर वो जब रोज़ा रख लेते हैं तब वो ये कि पूरे डिपार्टमेंट पर एहसान कर रहे हैं, तो जल्दी भी चले जाएंगे वो अलग, और उसके अलावा ये है कि उसके बाद जो है वहाँ के चपरासी परेशान, अगर वो अच्छा अहदे पे हैं तो चपरासी कहते हैं ना साहब आज अब क्या है कि फास्टिंग शुरू हो गई है, साहब के जो है उपवास शुरू हो गए हैं, अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा, वो आधा काम करेंगे, और चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अरे क्या पहले से हम रोजे से हैं, हमारा उपवास है, समझते नहीं, हमारे ऊपर ही फाइलें भेजे जा रहे हो, हमको ही काम बताए जा रहे हो, तो आप एहसान नहीं कर रहे, आप फ्री की तनख्वाह खा रहे तो हराम है वो खाना आपको, हमको काम के पैसे दिए जाते हैं, तो ये ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं, ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं।